विधानसभा का विशेष सत्र जो कि कल से प्रारंभ होने वाला है। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम आपको नजर आएंगे, जो कि मुख्यमंत्री समेत विधायकों के साथ मौजूद होंगे और शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में होना है। 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल सरकार की प्राथमिकता पर अपनी बात रखेंगे और 21 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, 5,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट ला सकती है इस बार सरकार। शुरुआत में ही जिसका जिक्र लगातार विष्णुदेव साय करते आए हैं कि मोदी की गारंटी को पूरा करना है और उस गारंटी को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट में प्रस्तावों में हो सकता है इसकी झलक नजर आए। विधानसभा में क्या कुछ होगा इस पर नजरें रहेंगी। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन सत्र इसलिए भी खास क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह, नई विधानसभा, नई विकास की इबारत लिखने के लिए तैयार और छत्तीसगढ़ राज्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पल होगा। आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ होना है इस बार सत्र में, ये भी बताइएगा, और जो अनुपूरक बजट को लेकर बात सामने है, पुख्ता है जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पहला सत्र सरकार गठन के बाद ये होने जा रहा है, 19 से 21 तक के ये सत्र चलेगा और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने शपथ ली, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो 18 लाख गरीबों को आवास देना है उस पर मुहर लगा। इसके बाद कई जो चर्चाएं हुई, किसानों को जो लाभ देना है उस पर चर्चाएं हुई, गैस सिलेंडर को लेकर और तमाम जो मोदी की गारंटी है उस पर चर्चाएं हुई, क्योंकि एक गारंटी पूरा करने के बाद ही लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया है कि कहीं ना कहीं जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक हो गई है। तो ऐसे में एक दबाव भी है और बीजेपी भी चाहती है जो वादे किए हैं उसको पूरा किया जाए। तो ऐसे में कल से विधानसभा सत्र शुरू होना है। इसमें सबसे पहले जो सत्र शुरुआत में ही प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जो है तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे, इसमें मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। इसके बाद जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा और साथ ही जो सत्र की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कहा जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि 5,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट इसमें रखा जाएगा, क्योंकि तमाम जो गारंटी है उसको पूरा करनी है और वो जल्द से जल्द शुरू करनी है। तो ऐसे में सत्र 21 तक के चलेगा, ये तमाम गतिविधियां इस सत्र के बीच में होंगी। जी चलिए, देखने वाली बात की कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आप जानकारी साझा करने के लिए। और अब दूसरी तरफ बात बिलासपुर